हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कह रहा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। आज की पीढ़ी के लोग सोचते हैं, ओ मैं करूंगा, मेरी डिग्री, मेरे कनेक्शन, मेरी चीजों के कारण, मेरी बुद्धि के कारण ये चीजें मेरे जीवन में आई हैं, मैंने अपनी संपत्ति अपने दिमाग से कमाई है, मैंने ये युद्ध अपने अकल से जीता है। परमेश्वर कहता है वो ऐसा सोचने ना लगे कि ये संपत्ति मेरे कारण, ये मैंने अपनी सामर्थ्य से कमाई है, ये घर में अपनी सामर्थ्य से बनाया है, ये चीज मेरी सामर्थ्य से हुई है। परमेश्वर कहता वो ऐसा ना सोचने लगे, क्योंकि धन कमाने की सामर्थ्य मैंने उनको दी है, हर युद्ध जीतने की सामर्थ्य मैंने उनको दी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि अपनी समझ पे भरोसा ना करे, लेकिन वो जो कुछ भी करे परमेश्वर को स्मरण करके उसको अपने जीवन के बीच में रखे, हर युद्ध में अपने आगे रखे, वो परमेश्वर के नाम से करे, ताकि वो अपने बुद्धि पे भरोसा ना रखे लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग सोचते हैं, ओ हमारी डिग्रियों से, हमारी बुद्धि समझ से, हमारी अकल से, हमारी बनाई योजनाओं से शायद हमने कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन प्रभु कहता है बताओ आने वाली पीढ़ी को। आज के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वो सोचते हैं हमारी सामर्थ्य से, मेरे कारण ये चीजें मेरे जीवन में मुझे मिली हैं, और परमेश्वर कह रहा आने वाली पीढ़ियों को बताओ कि परमेश्वर ने कैसे हमारे साथ रह के वो युद्ध लड़े जिसमें हम 100% हारने वाले थे। वो क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? उन्होंने हिसाब लगाया। वो क्यों कह रहे हैं कि ना तो मैं अपने बल से ना तलवार से जीता हूं, ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा और परमेश्वर के कारण हम जीते हैं, और परमेश्वर ने हमें उन जगहों पर बसाया जहां पर नामुमकिन था। उन्होंने अपनी सेना को देखा, अपनी ताकत को देखा, अपनी सामर्थ को देखा, अपने हथियारों को देखा, अपनी चीजों को देखा, और उन्होंने कहा ओ ये इतना बड़ा युद्ध इतनी सी ताकत के साथ हो नहीं सकता, हम जीत सकते थे। उन्होंने उन चीजों को देखा, एक तरफ उन्होंने अपनी सामर्थ को देखा और दूसरी तरफ दुश्मन की सामर्थ को उन्होंने देखा, एक तरफ अपने हथियारों को देखा, एक तरफ उनके हथियारों को देखा, एक तरफ अपने लोगों को देखा, और वो कंपेयर करने लगे। कहते नहीं, ये युद्ध हम कभी जीत नहीं सकते थे, ये युद्ध अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो ये कभी हम जीत नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने बोला ना बल से ना अपनी तलवार के द्वारा, हम यहोवा के कारण, उसके मुंह से निकलती हुई ज्योति के कारण हम जयवंत हुए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की रोशनी जो उसके चेहरे से निकलती है, जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं आप, परमेश्वर आपकी ओर देखता है, और जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है उसके मुंह से एक चमक जो निकलती है, एक रोशनी जो निकलती है, उसके कारण आप जयवंत होते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया।